हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। मैं हूँ पारुल और आप हैं मैथ्स इजी। जी हाँ, मैथ्स इजी। मैथ्स को भी आसान बनाया जा सकता है स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स एंड टेक्निक से। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस तरह के इनफाइनाइट सम या डिफरेंस के क्वेश्चंस। हर एक एग्जाम में आते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम कंसेप्शन यानी ट्रेडिशनल वे से इन्हें सॉल्व करें तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो बस आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी ट्रिक कि आप कैसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वो ट्रिक कहाँ से आई है वो भी मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगी। तो जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये है √6 + √6 + √6 + यानी इनफाइनाइट रूट का ये क्वेश्चन है। सक्सेसिव रूट्स इसमें एक के बाद एक रूट्स इसमें मिलते जाते हैं, वो भी इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 4 और इसका आंसर है 4। तो कैसे हम क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में दो कैटेगरी होती है। पहला, अगर ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है, और दूसरा, अगर ये नंबर एक प्राइम नंबर है। अगर ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है यानी दो फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है तो ये बहुत आसान है, देखते ही आंसर दे देंगे। लेकिन अगर ये एक प्राइम नंबर है तो उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी ट्रिक है उस ट्रिक को हम डेराइव करेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है जो दो फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है तो 6 को दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए जो सक्सेसिव हों, यानी कि क्रमागत हो, यानी एक के बाद एक आने वाले हों। आप एक ऐसे दो ऐसे फैक्टर सोचिए जिनके बीच एक का अंतर हो, तो वो है 3 and 2। वो है 3 and 2। तो एज पर द कंसेप्ट, अगर हम कंसेप्ट की बात करें, देन यू हैव टू ब्रेक दिस नंबर इन m+1 फॉर्म। यानी इस नंबर को आपको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है जिनके बीच एक का अंतर हो, जैसे कि 3 × 2 होता है 6। तो ये m हो गया, ये m+1 हो गया। इस क्वेश्चन में ये नंबर 3 and 2 है, लेकिन किसी और क्वेश्चन में जरूरी नहीं 3 and 2 ही हो। तो अगर जो स्टैंडर्ड रूल की बात करूँ मैं, तो स्टैंडर्ड रूल ये है कि आप इस नंबर को दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़िए जो सक्सेसिव हो, यानी उनके बीच एक का डिफरेंस हो। समझ में आ गई बात? तो हम 6 को ब्रेक करेंगे 3 and 2 में। अब बहुत ध्यान से देखिए, ट्रिक की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ ++ साइन है तो जो दोनों में बड़ा फैक्टर है वही आंसर है, ठीक है। अगर बीच में माइनस साइन है तो जो दोनों में छोटा फैक्टर है वही आंसर है। बस यही ट्रिक है। ट्रिक इसकी यही है कि आपको वो नंबर जो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम, उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। अगर बीच में प्लस साइन है तो बड़ा वाला आंसर है, और अगर माइनस साइन है तो छोटा वाला आंसर। ट्रिक यही है, लेकिन कोई भी चीज़ किसी बेसिस पे ही कही जाती है। तो अब मैं इसे प्रूफ करके बताती हूँ। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं इस पूरी वैल्यू को x सपोज कर लेते हैं। लेट दिस इज x। अब ये इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट को में से आप एक छोड़ दीजिए तो ये क्या है? दिस इज अगेन x, क्योंकि हमने इस पूरे को ही तो इनफाइनाइट टाइम्स को ही तो अपने x मान लिया था। अब इसमें से आप एक रोक के रखिए, बाकी जो दिख रहा है वही तो अपन का x था। करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो इस साइड हो जाएगा x² और इधर पे हो जाएगा 6 + x। वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बहुत जल्दी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। इस टर्म को इधर ले आए अगर, तो +x उधर आके माइनस हो जाएगा, +6 इधर आके -6 हो जाएगा, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c, जहाँ a, b, c कांस्टेंट होते हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इसे। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट a 1 है, x का कोफिशिएंट b -1 है, एंड c इज ऑल्सो -6। अब चाहे आप इसमें फार्मूला मेथड लगा दीजिए, जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, या तो वो लगा लीजिए या इसे फैक्टराइज कर लीजिए। फॉर्मूला ही लगा लेती हूँ। x = फार्मूला है
एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, बहुत पहले पढ़ा होगा आपने, एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव बी। अब देखिए इस फॉर्मूले में ए बी सी रख देना है, मैं जल्दी जल्दी रख लेती हूँ। तो माइनस बी वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ये नेगेटिव वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है ये, ठीक है करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस माइनस प्लस सिक्स फोर जाए ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस वन रूट ट्वेंटी फाइव। हमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी का इंतजार रहता है कि अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर आ जाए तो बाहर रूट के निकल जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 25 क्या होता है, अंडर रूट 25 तो 5 होता है, तो 1 प्लस माइनस 5 बाई 2। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, हमें या तो प्लस साइन लेना है या तो माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो अब हम अगर प्लस साइन लेते हैं तो प्लस साइन लेने पे फर्स्ट वैल्यू मिलती है 1 प्लस 5 बाई 2, और माइनस साइन लेने पे 1 माइनस 5 बाई 2। प्लस साइन मिलने पे x की फर्स्ट वैल्यू 3 मिलती है और माइनस साइन लेने पे x की वैल्यू मिलती है नेगेटिव ऑफ 2। तो अब ऑब्वियसली इतने सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव कैसे मिल सकता है। तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे हम नहीं मान सकते, ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो द ओनली वैल्यू ऑफ x इज 3। जैसे मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था कि आपको 6 को फैक्टर्स में तोड़ने हैं, 3 × 2। अगर यहाँ प्लस साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस साइन है तो छोटा वाला। अब ये आया कहाँ से ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 3 आंसर आ गया। अब समझ में आ गया आपको, तो अब आप लोग आंसर दोगे। चलिए अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन ला के रखी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 20, रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 अप टू इनफाइनाइट। अब बताइए कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 20 को दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जो सक्सेसिव हो, यानी एक के बाद एक आते हों, जो एम एम प्लस वन के फॉर्म में हो। तो 4 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं अपन इसको। तो चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका आंसर क्या होगा, 5। देखते ही बता दिया कि 5 आंसर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। 12 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़िए जो सक्सेसिव हों, तो 4 × 3, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 4 मत बोल देना आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो फिर इसका आंसर कौन होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटा वाला यानी कि 3 होगी। तो इस तरह से इनफाइनाइट सम के उन क्वेश्चंस को तो ईजिली आप कर सकते हो जो कि कैसे हो, कंपोजिट। अब रही बात कि अगर इसके फैक्टर्स ही ना टूटे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसकी दो कैटेगरीज हैं, अगर ये प्राइम भी हो सकता है, प्राइम यानी जिसके फैक्टर्स ब्रेक ही ना हो, जिसके फैक्टर्स टूटे ही ना। तो ऐसे केसेस में जैसे कि मान लीजिए आपको रूट फाइव प्लस रूट फाइव, रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस रूट फाइव, ऐसे केसेस हों, तो अब यहाँ पे कोई रास्ता हमारे पास नहीं रहता है, हमने आपको प्रूफ करके बताया, लेकिन इसके फैक्टर्स ही नहीं टूट रहे, तो ये जो ट्रिक है यहाँ पे काम नहीं लग आती है। तो आपको क्या करना है, रूट तो हमें निकालना है उसी मेथड से, फॉर्मूला मेथड से, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते तो हमारे पास ऑप्शन सामने रहते हैं। तो इसका याद रखिए कि अगर 5 है तो 5 का आधा क्या होता है, 2.5। तो इसका आंसर 2.5 से 3 के बीच में होगा। मेथड कौन सी लगेगी, इसमें ट्रिक नहीं लगती है, इसको अपन कंसेप्शुअल मेथड से ही करते हैं। लेकिन चूंकि आप मेथड समझ चुके हैं, सीधे हमें आंसर चाहिए होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमें सीधे आंसर चाहिए रहता है, आंसर का एक आइडिया होना चाहिए। तो इसमें 5 का आधा है 2.5, 2.5 से 3 के बीच ही इसका आंसर होगा। मान लीजिए यहाँ पे रूट सेवन रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो ये मेथड यहाँ नहीं लगेगी इसमें। तो इसमें भी अंदाजा आप आंसर का लगा सकते हो, 7 का आधा 3.5, 3.5 और 4 के बीच में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनफाइनाइट सम और डिफरेंस के ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं ट्रिक से, और जब उसमें ट्रिक नहीं लग रही तो भी आप इसे कैसे कर सकते हो, मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए और मैथ्स से जुड़ी पारुष मैथ्स से जुड़ी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।